हेलो एवरीवन टुडे टॉपिक इज़ एमनियोसेंटेसिस अब हम कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर्स की बारे में बात करते हैं उसमें फर्स्ट है एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस क्या होता है एमनियोसेंटेसिस इज द डेलिब्रेट पंक्चर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड सेक पर एब्डोमन एंड कलेक्ट द सैंपल इसमें क्या होता है मैटर्नल एबडोमन से निडल को इंसर्ट करके एमनियोटिक सेक में नीडल को इंसर्ट किया जाता है और एमनियोटिक फ्लूड का एस्पायरेशन किया जाता है ठीक है इसके इंडिकेशन क्या है इसके टू टाइप्स के इंडिकेशन हैं डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि फर्स्ट होता है अर्ली मंथ अर्ली मंथ में क्या होता है इट परफॉर्म बिटवीन फोर्टीन टू सिक्सटीन वीक अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी अर्ली मंथ में क्या होता है कि इसको फोर्टीन टू सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको किया जाता है अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी यू की गाइडेंस में इसको किया जाता है ठीक है एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड कैरियो टाइपिंग ठीक है जो जिस वुमेन में जो जो कोई वुमेन होती है उसमें पहले से ही जिसका पॉजिटिव सीरम स्क्रीनिंग हो फॉर जैसे कि डाउन सिंड्रोम के लिए पॉजिटिव आ रहा है उसका सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट तो उसमें ये किया जाता है ठीक है या फिर कोई या फिर कोई अर्ली ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट हो ठीक है जिसमें कि प्रीवियस कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से अफेक्ट हुई है या फिर या फिर एमनियोटिक फ्लूड से जो फिटल सेल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है ठीक है तो उन सेल्स की भी टेस्टिंग होती है ठीक है फॉर क्रोमोसोमल कंडीशन जैसे कि डाउन सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम ईटीसी है ना और इफ अगर पहले किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी आई है तो उसके लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है ठीक है एंड लेटर प्रेगनेंसी में इसको क्यों करते हैं लेटर मंथ में आफ्टर सिक्सटीन वीक आफ्टर सिक्सटीन वीक पे इसको किया जाता है आफ्टर सिक्सटीन वीक पे क्यों करते हैं फीटल मेच्योरिटी को देखने के लिए फीटल मेच्योरिटी में किसको देखेंगे पल्मोनरी मैच्योरेशन को ठीक है कि फीटस के लंग्स एंड पल्मोनरी सिस्टम अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं फीटस के एल्विलाई uh, फीटस में जो एल्विलाई हैं उनके नंबर्स एंड उनकी साइज़ का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखते हैं इसमें ठीक है इस और आ, क्या होता है कि जैसे मदर अगर आर एच नेगेटिव है और फीटस अगर आर पॉजिटिव है तो मदर का ब्लड आर एच एंटीजन को नहीं जानता तो अगर तो मदर मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकता है उस एंट आर एच एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बना सकता है और वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फिटल सर्कुलेशन में जाकर फीटस के ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकती है ठीक है इसलिए इसीलिए इस टेस्ट को करते हैं कि उस उसकी, उसकी जो सीवियरिटी है उसको देखने के लिए कि भाई उस एंटीबॉडी ने कुछ डैमेज किया है कि नहीं किया है कितना डैमेज किया है फिटल के ब्लड में ठीक है सेकंड देखते हैं मिकोनियम स्टेनिंग ऑफ लिक्वर मतलब एमिन्योटिक फ्लूड में मिकोनियम की कि मात्रा कितनी हो गई है कि फिटस ने मिकोनियम पास कर दिया है तो उसकी क्या कंडीशन है एमनियोग्राफी और फिटोग्राफी इसमें क्या होता है इंस्टिलेशन ऑफ रेडियो ओपेक डाई इन द एमनियोटिक फ्लूड इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक जो रेडियो ओपेक डाई है उसको एम्यूटी फ्लूड में इंस्टलेट किया जाता है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ एम यूट्रस एंड फिटस एंड प्लेसेंटा ओके देन इसका थेराप्यूटिक इंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ अबोर्शन बाय इंस्टिलेशन ऑफ केमिकल सच एज हाइपरटोनिक सेलाइन यूरिया एंड प्रोस्टाग्लैंड इसमें क्या होता है कि इन सेलाइंस को यूट्रस में इंस्टिलेट किया जाता है जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होते हैं और जो अबोर्शन के लिए हेल्पफुल होता है सेकेंड है रिपीटेड डिकम्प्रेशन ऑफ दी यूट्रस इन एक्यूट हाइड्राम जिसमें एम्योटिक फ्लूड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है उसमें इस उसमें ये यूट्रस का डिकम्प्रेशन किया जाता है ताकि यूट्रस के यूट्रस में जो दबाव या तनाव जो बन गया है उसको कम किया जा सके ठीक है देन टू गिव इंट्रा यूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूजन जो इंट्रा इंटरा जो फीटस में किसी भी तरह का ट्रांसफ्यूजन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना हो किसी ड्रग का ट्रांसफ्यूजन करना हो तो उसके लिए भी इसको किया जा सकता है to increase the volume of amniotic fluid by infusion of warm normal saline to treat the oligohydramnios to prevent fetal lung hypoplasia <coughs> अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से कम है तो उसमें वार्म नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन किया जाता है ठीक है किसको प्रिवेंट करने के लिए लंग्स हाइपोप्लेसिया को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल सेलाइन का इन्फ्यूजन दिया जाता है ठीक है टू तो डायल्यूट मिकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूड जो जो एमनियोटिक फ्लूड में अगर मिकोनियम है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए भी उसमें उसको उसको डाइल्यूट करने के लिए भी उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है जिससे कि जिससे कि फिटस में मिकोनियम आस्पिरेशन के रिस्क डिक्रीज हो ठीक है सेकंड देन है टू डाइल्यूट एंड देन ये तो हो गया ठीक है क्योंकि मिकोनियम आस्पिरेशन से फिटस को रिस्क हो सकता है इसीलिए उसका डाइल्यूशन इम्पोर्टेंट होता है देन प्रोसीजर देखते हैं अब इसमें प्रोसीजर में क्या करते हैं फर्स्ट आफ्टर एम्पिटिंग द ब्लेडर एंड पेशेंट डाउन ठीक है पेशेंट को बोलेंगे यूनिन पास करने के लिए देन उसको सुपाइन पोजिशन में लेटा देंगे द एबडोमन वॉल प्रिपेयर एसेप्टिकली देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से एबडोमन को क्लीन करेंगे इंजेक्ट लोकल एनेस्थीसिया विद टू एम एल 1% वन परसेंट लिग्नोकेन इन टू द स्किन तो वन परसेंट लिग्नोकेन से लोकल एनेस्थीसिया देंगे

इज प्रिक इंटू एम्योटिक कैविटी अंडर यू एस जी स्कैनिंग देन उसके बाद क्या करेंगे अठारह से बीस गोज की स्पाइनल नीडल लेंगे उसको इसको एम्योटिक कैविटी में प्रिक करेंगे थ्रू एबडोमन ठीक है और ये यूएस जी की गाइडेंस में ही करेंगे और उस स्पाइनल नीडल की लेंथ फोर इंच के आसपास होती है ठीक है देन उसके बाद क्या Then, उस करेंगे दिलेट इज एंड ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर डिस्कार्ड देन उस नीडल का स्टिलेट रिमूव करेंगे एंड एंड एम्योटिक फ्लूड की कुछ ड्रॉप को डिस्कार्ड करेंगे फर्स्ट कुछ ड्रॉप को हम डिस्कार्ड कर देते हैं वो सैंपल के लिए नहीं लेते हैं देन थर्टी एम एल ऑफ फ्लूड इज कलेक्टेड इन ए टेस्ट ट्यूब देन एमोटिक फ्लूड का थर्टी एम हम कलेक्ट कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में फॉर डायग्नोसिस एंड रिमूव नीडल फिर नीडल को रिमूव कर लेंगे ठीक है इससे अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं फर्स्ट होती है मेटरनल कॉम्प्लिकेशन मेटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इन्फेक्शन क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है तो मदर को इन्फेक्शन पास होने के चांसेस होते हैं देन हेमरेज प्लासेंटल और यूटेराइन इंजरी तो हेमरेज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि निडल इंसर्ट हैं तो है इंजरी कर सकती है प्लेसेंटा या फिर यूट्रस में प्री मेचोर ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रीमेच्योर लेबर तो इंजरी के कारण प्रीमेचोर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्रीमेचोर लेबर भी हो सकता है देन मेटरनल आइसो इम्यूनाइजेशन इन आर एच नेगेटिव केसेस ठीक है इसमें क्या होता है कि फिटल आइसो इम्यूनाइजेशन मेटरनल इज आर एस नेगेटिव केसेस जो मै मदर आर एस नेगेटिव होती है उनमें अगर फिटस का आर एस इफ़ अगर फिटस आर एस पॉजिटिव है तो उसका ब्लड मेटरनल ब्लड के साथ मिक्स होगा तो तो मदर में आर एस एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है देन सेकेंड है फिटल हैजार्ड्स हैजार्ड्स फिटल में है अबॉर्शन इस प्रोसीजर में अबॉर्शन होने के वन परसेंट चांसेस होते हैं देन ट्रोमा ट्रोमा फिट, फिटस फिटस को नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो फिटस को ट्रोमा हो सकता है फिटोमे मेटरनल हेमरेज इसमें क्या होता है कि फिटस का जो ब्लड है वो मेटरनल सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है देन ओलिगो ड्यू टू लीकेज ऑफ एम्योटिक फ्लूड ठीक है इसमें एम्योटिक फ्लूड का लीकेज भी लीकेज होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से ओलिगो की कंडीशन डेवलप हो जाती है क्योंकि एम्योटिक uh, जो मेम्ब्रेन है उसको प्रिक करेंगे तो आ, वैसे तो नीडल जब इंसर्ट करते हैं देन रिमूव करते हैं उसके बाद में जो पंचर होता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है एब्डोमन एंड यूट्रस एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन पर लेकिन अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन पे नहीं आ, वो हील हो पाता तो लीकेज के चांसेस हो जाते हैं ठीक है तो हमने क्या देखा कि डेफिनेशन देखी हमने पहले ठीक है कि को कलेक्ट करने के लिए उसका सैंपल लेने के लिए पर एबडोम हम पंचर करते हैं ठीक है उसको एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस बोलते हैं ठीक है उसके बाद इंडिकेशन देखे हमने इंडिकेशन दो होते हैं डायग्नोस्टिक इंडिकेशन एंड थेरेप्यूटिक इंडिकेशन डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में अर्ली मंथ में फोर्टीन टू सिक्सटीन वीक पे हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड लेटर मंथ में आफ्टर सिक्सटीन वीक पे करते हैं फॉर असेस ऑफ फिटल मेचोरिटी पलमोनरी मेचोरिटी ठीक है एमनियोग्राफी और फिटोग्राफी, ठीक है थेरेप्यूटिक में क्या देखते हैं इंडक्शन ऑफ अबोर्शन बाय इंस्टिलेशन ऑफ केमिकल्स ठीक है और यूट्रस को डिकम्प्रेशन करने के लिए और इंट्रा यूटेर फीटल में ट्रांसफ्यूजन के लिए एंड इंक्रीज द एमनिटिक फ्लूड की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ठीक है एंड देन डाइल्यूट द मिक्योनिम स्टेंट एम्यूटी फ्लूड ठीक है प्रोसीजर में हमने क्या किया कि पहले ब्लैडर इम करवाया पेशेंट को पोजिशनिंग दी एब्डोमिनल वाल को क्लीन किया ठीक है उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया दिया बाय वन परसेंट लिग्नो से देन यूएसजी से पोजीशन चेक की फिटस एंड प्लेसेंटा की देन निडल प्रिक की एमनियोटिक कैविटी में देन सैंपल लिया ठीक है उसके बाद में देखे हमने इसके हेजार्स या फिर कॉम्प्लिकेशन तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसे इन्फेक्शन हो सकता है हेमरेज प्रीमेचर अपचर ऑफ मेम्ब्रेन एंड मेटरनल आइसो इन आर एस नेगेटिव केसेस देन देखिए फिटल हेजार्स फीटल एजार्ड में एबोर्शन ट्रोमा फीटोमेटर हेमरेज ओलिकोहाइड्रम ठीक है अब देखिए इसकी इमेज ये देखिए एम की इमेज इसमें ये यूएसडी ट्रांसड्यूजर से एसेस की जा रही है कंडीशन फीटस की कंडीशन प्लेसेंटा की कंडीशन उसकी पोजिशन एंड नीडल से एमनियोटिक फ्लूड का एस्पिरेशन किया जा रहा है ठीक है आप दो मिनट इमेज को ध्यान से देखिए क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इमेजेस बहुत काम आएंगी क्योंकि आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन फ़ाइट करने पड़ते हैं एग्जाम में ओके okay. समझ गए आप सब अगर किसी को कोई पूछना है किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कमेंट्स कर सकता है ओके देन नेक्स्ट टॉपिक इज कोरियोनिक विल्लस सैंपलिंग डेफिनेशन इज सीवीएस इज ए प्री नेटल टेस्ट डेट बी यूज टू डिटेक्ट बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक्स एंड अदर प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री नेटल टेस्ट होता है ठीक है जिसमें बर्थ डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं एंड जेनेटिक डिस और अदर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है उनको डिडक्ट uh, किया जाता है ठीक है ड्यूरिंग द टेस्ट ए स्मॉल सैंपल ऑफ सेल कोल कोरियोनिक विला इज टेकन फ्रॉम द प्लेसेंटा वेयर इज अटेस्ट टू द वॉल ऑफ यूटरस अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस इस टेस्ट में क्या होता है कि कोरियोनिक विलई की कोरियोनिक विलाई जो होती है उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और कोरियोनिक विलई का सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया जाता है जहाँ प्लेसेंटा अटैच होती है यूटेराइन वॉल से ठीक है वहां से कोरियोनिक विलई का सैंपल कलेक्ट किया जाता है अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस ठीक है कोरियोनिक टाइप से होती है, ट्रांस सर्वाइकल एंड ट्रांस एब्डोमिनल ट्रांस सर्वाइकल जो होती है वो टेन टू ट्वेल्व वीक के बीच की जाती है एंड ट्रांस एब्डोमिनल टेन टू टेन वीक से टर्म प्रेगनेंसी तक की जाती है इफ़ टर्मिनेशन इज कन्फर्म इट कैन बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है किसी भी रीजन से तो इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर लिया जाता है

हो या फिर फीटस विद ट्रिपल एक्स या क्लिन फिल्टर सिंड्रोम हो तो उस वुमेन में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये टेस्ट किया जाता है ठीक है और वुमेन थर्टी फाइव ईयर और ओल्डर इफ प्रेग्नेंट वुमेन थर्टी फाइव ईयर या उससे ओल्डर हो तो भी इस टेस्ट को करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ जेनेटिक है ना अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन हो तो भी इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं या एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स वाले जो होते हैं उनमें भी ये टेस्ट किया जाता है बट द

कॉम्प्लिकेशन इससे क्या क्या हो सकती है इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मिस कैरेज या लॉस इससे कॉम्प्लिकेशन के इसके मिस कैरेज के ज्यादा चांस होते हैं इसमें वन टू टू परसेंट ठीक है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इससे क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट के भी चांसेस होते हैं इसमें टू टू थ्री परसेंट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है कि वो मतलब फिटस में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं हो और फिर भी वो पॉजिटिव वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं लिम्ब डिफॉर्मिटी लिम्ब डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी हाई रिस्क इन लेस देन टेन वीक लिम्ब डिफॉर्मिटी कैसे कि जैसे कोरियोनिक विलई का सैंपल ले रहे हैं ठीक है थीके? उसके साथ में अगर कोई फिटस की कोई कोई भी सेल भी अगर उसकी भी सैंपलिंग हो जाए साथ में तो तो उससे लिम डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है कि जैसे मान लो फिटस की कोई एक फिंगर का फॉर्मेशन होना है ठीक है तो उस फिंगर की फॉर्मेशन वाली एक या दो सेल्स भी उस सैंपल के साथ में आ जाएगी तो तो वो फिंगर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो डिफॉर्मेटिव हो जाएगी उसमें ना देन आर एच सेंसिटाइजेशन बेबी ब्लड सेल पॉजिटिव एंटर इन मदर ब्लड सेल आर एस सेंसिटाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी कि बेबी का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है एंड मदर का आर एच नेगेटिव है तो उससे आर सेंसिटाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी इन्फेक्शन यूटेराइन यूट्रस का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर है इसलिए और इस ये ट्रांस सर्वाइकल भी होता है इसलिए सर्वाइकल के थ्रू इन्फेक्शन यूटराइन कैविटी में ट्रांसफर हो सकता है देन इसका देखते हैं प्रोसीजर रिक्वायर फुल ब्लैडर फॉर द प्रोसीजर प्रोसीजर के लिए ब्लैडर फुल होना चाहिए। लाइन सुपाइन पोजीशन परफॉर्म यूएसजी टू वेरीफाई फिटल जस्टेशनल एज पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे कि पहले दे एम्नियोसेंटेसिस में हमने देखा था, वैसे ही कुछ सेम प्रोसीजर होता है इसमें कि यूएसजी की गाइडेंस में इसको करते हैं और फीटस की और प्लेसेंटा की पोजीशन देखते हैं और फीटल जस्टेशनल एज को वेरीफाई करते हैं देन यूज बाय द यूएसजी इमेज एज ए गाइड एंड टेक द टिश्यू सैंपल फ्रॉम द प्लेसेंटा यूएसजी गाइडेंस से हम गाइड uh, करते रहते हैं एंड जो प्लेसेंटा से जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लेते हैं इट कैन बी डन बाय टू वे इसको सैंपल को कलेक्ट करने के टू वे हैं फर्स्ट इज ट्रांस एब्डोमिनल ट्रांस एब्डोमिनल में क्या होता है आफ्टर क्लीनिंग द एब्डोमेन विद एन एंटीसेप्टिक इंसर्ट ए लॉन्ग थिन निडल थ्रू एब्डोमिनल वॉल एंड इनटू यूटरस अ लॉन्ग थिन निडिल को इंसर्ट किया जाता है एब्डोमिनल वाल के थ्रू यूट्रस में देन टिशू सैम्पल फ्रॉम द प्लेसेंटा विल बी विदड्रो इन टू सीरीज एंड देडल विल बी रिमूव ठीक है तो जो सैंपल होता है उसको सिरिंज में विदड्रो कर लिया जाता है एंड द देन उसके बाद में निडिल को रिमूव कर लिया जाता है उसके बाद देखते हैं ट्रांस सर्वाइकल ट्रांस सर्वाइकल में हो, क्या होता है क्लीनिंग द वेजाइना एंड सर्विक्स विद एंटीसेप्टिक वेजाइना एंड सर्विक्स को एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे किस लिए करते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए इंसर्ट थिन होलो ट्यूब थ्रू द सर्विक्स एक थिन एंड होलो ट्यूब को सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट करवाया जाता है और वो ट्यूब कैसी होती है मिलियबल पोलीथाइलिन कैथेटर मतलब वो लचीली लचीला ल, लचीला होता है वो कैथेटर है ना और वो पोलीथाइलिन का बना होता है कैथेटर रीच द प्लेसेंटा जेंटल सक्शन विल बी यूज रिमूव द स्मॉल टिश्यू सैंपल जो कैथेटर होता है वो प्लेसेंटा के पास ले जाया जाता है और जेंटल सक्सनिंग की जाती है और उस जेंटल सक्सनिंग से क्या होता है कि कुछ स्मॉल अमाउंट में टिश्यू रिमूव होकर सैंपल सैंपल के लिए आ जाते हैं ठीक है एंड देन उसको कैथेटर को रिमूव कर लिया जाता है ठीक है ये देखिए कोरियोनिक विन सैंपलिंग थ्रू एब्डोमिनली इसमें देखिए एपडोम के थ्रू अल्ट्रासाउंड ट्रांसफ्यूजन का यूज हो रहा है निडल इंसर्ट की जा रही है प्लेसेंटा के पास में ये देखो ये कोरियोनिक वि ही है एमनियोटिक सेक एंड फ्लूड एंड यूट्रस एंड इस इमेज में पोस्टीरियर पार्ट को दिखाया गया है रेक्टम वगैरह ये जो कोरियोनिक विल्लाइट दिख रही है ना इसको ही इसी से सैंपल लिया जाता है एंड देन सेकेंड इज ट्रांस सर्वाइकल सी वी एस ट्रांस सर्वाइकल में देखिए ये ऊपर है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूजर एंड ये वेजाइना के थ्रू स्पेकुलम का यूज करके पहले वेजाइना को डायलेट किया जाता है देन उसमें वो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है एंड कैथेटर के थ्रू ये कोरियोनिक विलई की सैम्पलिंग की जाती है ओके okay, स्टूडेंट्स समझ आ रहा है इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ओके थैंक्स